तो वेलकम है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि BSNL नेटवर्क अपनी एरिया में कैसे चेक करूं कि मेरी एरिया में नेटवर्क BSNL के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिकॉज ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि आजकल सबको नीड है कि BSNL सिम का, क्योंकि आजकल क्या है, रिचार्ज जो जियो ने है बहुत ही ज़्यादा महंगे कर दिए। जियो ही नहीं, सारी कंपनियाँ जो भी हैं एक BSNL को छोड़ के सारी कंपनियों ने अभी ना अपना जो भी पैक थे जो भी 50% तो नहीं 40% बढ़ा दिए हैं। ठीक है, 40% बढ़ा दिए हैं। उसमें आपको बता दें ये BSNL का जो लोग सिम लेने को खोज रहे हैं कि BSNL का पैक जो है बहुत ही सस्ते हैं, उससे आधे से भी आधे सस्ते हैं। ठीक है, तो इसी को BSNL लिम, अगर आप भी BSNL सिम पर स्विच होना चाह रहे हैं तो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अपनी एरिया में आप कैसे चेक कर सकते हो कि BSNL का नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है 5G जियो की, वो BSNL की 5G सिम भी लॉन्च हो चुकी हैं, क्योंकि 5G बहुत ही जल्द लाने वाला है कि टाटा और BSNL एक से कनेक्ट हो गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया है और जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारी इंडिया में। BSNL के टावर बहुत जल्दी हर एरिया में पहुंचाए जाएंगे और भविष्य में आने वाली जो ट्रेंडिंग सिम है BSNL ही होने वाली है, क्योंकि इनकी सबकी मट्टी पलित होने वाली है। ये सब सारे जितने भी कंपनियां हैं सारी बौखला गई हैं, इनको ज़्यादा ही रुपए की ज़रूरत लग रहा है, पड़ रहा है। गरीब बेचारा मर रहा है, लेकिन ये रुपए होके भी गरीब हैं साले, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसी के चक्कर में BSNL ने यहाँ पे अपना चौका मारा है। तो यहाँ पे आपको अपनी एरिया में BSNL का नेटवर्क अगर चेक करना है तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो आपको बता दूँ कैसे आपको अपनी एरिया में BSNL का सिम अगर लेना है तो एरिया में नेटवर्क चेक करने के लिए आपको क्या करना है। तो चलिए आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो वीडियो में लास्ट तक बनिए, बताते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है BSNL 4G कवरेज एरिया। ठीक है, ये लिख देना ऐसे और सर्च कर देना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये कुछ थोड़ी देर लोडिंग होगा, आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा खुलने के बाद आपको सीधे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जहाँ का भी हो आप उस एरिया को सिलेक्ट करना है। मेरा इंडिया ऑलरेडी है तो कैरियर का यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन जो भी आएगा तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, BSNL पे क्लिक कर लेना है। BSNL पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च हेयर पे आपको कुछ नहीं करना है, अपनी लोकेशन डाल देनी है। जैसे मैं अभी मानेसर में हूँ तो मानेसर का मैं डाल रहा हूँ। तो मानेसर का देख रहे हरियाणा में अभी ऑलरेडी जियो का BSNL का सिग्नल अवेलेबल है, क्योंकि ये आप देख सकते हो जहाँ भी सिग्नल अवेलेबल रहेगा वहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। इस एरिया में रेवाड़ी में है ये, यहाँ पे रेवत, ये गुड़गांव, यहाँ सारे एरिया में जितना ग्रीन ये डॉट नीला रेड हो रखा है ये सारी एरिया में नेटवर्क टावर है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे BSNL जहाँ भी अगर आपका ये धब्बा सा है ग्रीन सा तो आप अपने एरिया में देख लेना, आपके एरिया में 100% सिग्नल BSNL का होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जहाँ तक हो सके आप सारे लोग BSNL का सिम लो। और BSNL जब ज़्यादा सिम हो जाएगी अपने आप इम्प्रूवमेंट करेगा, बहुत ज़्यादा टावर जो है दिक्कत अभी है हर जगह, तो हर जगह जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। क्योंकि जितना तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है BSNL में, जितना आप सिम इसका खरीदोगे, जितना भी आप इसको पोर्ट करोगे दूसरी सिम को इस पर स्विच करोगे, तो कंपनी समझेगी हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। तो भाई जिसको प्रॉफिट होता है तभी आदमी आगे इन्वेस्ट करता है, रुपए खर्च करता है। तो BSNL को ऐसा लगेगा, फिलहाल में लग गया है क्योंकि खर्चा तो कर ही रही है। अगर छोटी छोटी एरिया में पहुँचाना है तो जल्दी से जल्दी आप जो भी जियो का सिम VI का सिम है आप BSNL में पोर्ट करवा लीजिए। तो उम्मीद है बहुत ही जल्दी, अगर आपके एरिया में नहीं नेटवर्क है तो जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।